आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल पे लेटर ऐप के बारे में। अभी काफी ज्यादा ट्रेंड पर चल रहा है बाय नाउ पे लेटर। अभी काफी सारे एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं कि बाय नाउ पे लेटर, पहले आप शॉपिंग कीजिए उसके बाद आप पेमेंट कीजिए। यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट लिमिट दी जाती है। जैसे आप पेटीएम पोस्टपेड यूज किए होंगे तो पेटीएम पोस्टपेड आपको कुछ क्रेडिट लिमिट देता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि सिंपल पे लेटर ऐप में कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं, और कैसे आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगा और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पे लेटर ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में सिंपल पे लेटर मोबाइल ऐप मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सिंपल पे लेटर ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। ये एप्लीकेशन है बाय नाउ पे लेटर, यानी पहले आप यहाँ पर शॉपिंग कीजिए और यहाँ पर बाद में आप पेमेंट कीजिए। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है वैसे आपका पे बाय नाउ पे लेटर होता है। तो यहाँ पर बाय नाउ पे लेटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आपको टाइम पीरियड का लिमिट दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट करना होता है। जैसे कहीं कहीं आपको 30 डेज, 20 डेज, 50 डेज का टाइम मिल जाता है और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे आपको मिलता है कि आपको यहाँ पर कुछ समय के लिए क्रेडिट लिमिट दी जाती है। आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है तो आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट दी जाती है। तो यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनके फीचर हाईलाइट किए गए हैं। देख सकते हैं कि 1 बिल इन 15 डेज, यहाँ पर आपको 15 डेज का टाइम मिलता है और उसके बाद गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, जो भी आप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप फोन नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालनी है एज पर योर बैंक रिकॉर्ड। जो आपके बैंक रिकॉर्ड में ईमेल आईडी रहेगी वही ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगेन आपकी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कोड सेंड किया जाएगा, उस कोड को यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पर हमारे ईमेल पर ओटीपी आ गया, यहाँ पर हम ओटीपी डालेंगे। जैसे ओटीपी डालेंगे तो जस्ट अ मोमेंट वी आर कंफर्मिंग योर एलिजिबिलिटी, यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, परमिशन अलाउ करेंगे। यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन आ जाएगा, यू हैव गॉट क्रेडिट लिमिट 4100 रुपये। यहाँ पर 4100 की हमें क्रेडिट लिमिट मिल गई है। टू डिस्कवर ऐप वी सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा पे इन 3, यहाँ पर बिग बास्केट, जोमेटो, काफी सारे यहाँ पर जियो मार्ट, काफी सारे यहाँ पर आपको कंपनीज मिल जाएंगी। इन कंपनीज पर आप पेमेंट करके बाद में जो है तो आप इनका पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 4100 रुपये की हमें अवेलेबल क्रेडिट लिमिट मिली है। स्पेंड यहाँ पर टिल नाउ, जितना भी आप पेमेंट करेंगे यहाँ पर शो होगा और जितना भी आपका ड्यू रहेगा, तो उसके बाद यहाँ पर अपना इनेबल ऑटो पे करके यहाँ पर पेमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बिल बॉक्स, यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके बिल वगैरह जनरेट होते हैं तो यहाँ पर आप अपने बिल देख सकते हैं। बिल इज 3 डेज आफ्टर जनरेशन, तो यहाँ पर बिल इज पेड, जैसे आपका बिल जनरेट होगा तो 3 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। टाइमली ऑटो पे आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं एनी टाइम, उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रीपेड पोस्टपेड रिचार्ज कर सकते हैं, फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिचार्ज और बिल पेमेंट की भी फैसिलिटी मिल जाती है, तो यहाँ पर आप रिचार्ज और बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन का नीचे ऑप्शन मिलेगा, ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जितने भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उनकी हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। सपोर्ट वगैरह लेना है, चैट वगैरह करना है कस्टमर सपोर्ट से तो कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये होम स्क्रीन मिल जाएगा। तो होम स्क्रीन में सबसे ऊपर यहाँ पर आपकी प्रोफाइल तो होगी, प्रोफाइल पर यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, बिलिंग एड्रेस है, ये सब चीजें आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप बाय नाउ पे लेटर में आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और इस तरीके से बाय नाउ पे लेटर में आप लॉग इन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं, नीलेश 094। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए टेक केयर।